लो पुत्र। और जीवन को बचाने का आधार भोजन होता है, इसीलिए स्वामी आपको ये भोजन करना ही होगा। किंतु देवी, मैंने ये भोजन त्याग दिया। सैनिकों, बंदी बना लो इसे, ले जाओ इसे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। अब तुम एक नहीं दो दो हत्याओं के दोषी होगे। अब तुम एक नहीं दो दो हत्याओं के दोषी होगे। स्वयं को दंडित मत करो। रुक जाओ पुत्री, पुत्रे। स्वयं को दंडित मत करो, जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारे कोई दोष नहीं है और ना ही तुम उसका कोई कारण हो। पिताश्री मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। जब मेरे जीवन का कोई आधार ही नहीं बचा तो मैं जीकर क्या करूंगी। आप लोग चले जाइए, मुझे मेरे शरीर का अंत कर लेने दीजिए। आप लोग चले जाइए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिताजी, आप लोग चले जाइए। आप लोग मुझे मत रोकिए। नहीं पुत्री नहीं, स्वयं का अंत करके अपने पिता का अंत मत करो। Putri!
पुत्री पुत्री राजकुमारी जी, मेरे कारण कोई अपने जीवन का अंत करे ये मुझे कतई स्वीकार नहीं। ऐसे में आपके जीवन की रक्षा करना मेरा धर्म था। वही पर्वत है जिसके बारे में वो बालक बात कर रहा था। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं सही स्थान पर हूँ। स्वामी यही कहीं होंगे। स्वामी तो ऋषिवर ने इसी शिला के बारे में कहा था। इसे आसन बनाकर अपने योग के द्वारा समाधि लेकर मैं अपने प्राण त्यागूंगा। अंजना, इस बार तुम मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाओगी। इस बार वही होगा जो मेरी इच्छा है, अर्थात केसरी की मृत्यु। Hey!
स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? आंखें मूंद ध्यान मुद्रा में, आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। इस योग को त्याग दीजिए स्वामी। अंजना, तुम्हारा स्वामी अब योग निद्रा में जा चुका है, नहीं जागेगा वो। अब जागेगा तो वो मृत्यु के अंक में जाकर। ये क्या? स्वामी तो योग समाधि के द्वारा अपने प्राण त्यागने जा रहे हैं। सहनत नहीं होने दूंगी। यदि स्वामी की मृत्यु हो गई तो ये संसार क्या कहेगा कि एक पतिव्रता स्त्री के सामने उसके पति ने उन्हें प्राण त्याग दिए। नहीं नहीं, पतिव्रत और पतिव्रता दोनों ही कलंकित हो जाएंगे इस संसार में। इसीलिए मैं अंजना ये प्रण लेती हूँ कि किसी भी मूल्य पर, किसी भी परिस्थिति में मैं आपको अपने प्राण त्यागने नहीं दूंगी। 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 बचा लिया। पहले तो तुमने मेरे राजकुमार की हत्या कर दी और अब मुझे आत्महत्या करने से बचा लिया। मैं अर्थहीन निस्सार जीवन नहीं जीना चाहती। भारत बालक में नहीं जीना चाहती, नहीं जीना चाहती। आपकी पीड़ा को मैं भलीभांति समझ रहा हूँ, किंतु आप विश्वास नहीं कर रही हैं मुझ पर। मैं आपके राजकुमार पति का हत्यारा नहीं हूँ। और एक सत्य आपको और बता दूंगी, अभी भी आपके राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई है। अभी भी आपके राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है राजकुमार की मृत शरीर को। राजकुमार की देह मृत अवश्य लग रही है, किंतु उनकी आत्मा अभी भी उनके शरीर में सुरक्षित है, इसलिए उन्हें फिर से जीवित किया जा सकता है। ये तुम किस आधार पर कह रहे हो? बस इतना जानकर विश्वास कीजिए मुझ पर कि जो मैं कह रहा हूँ मैं निराधार नहीं कह रहा हूँ। बस आप राजकुमार की देह का अंतिम संस्कार मत होने दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके राजकुमार पुनर्जीवित अवश्य होंगे। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। समझ गई वानर बालक, मैं समझ गई कि तुम कोई साधारण वानर बालक नहीं हो। अवश्य तुम में कोई शक्ति है, तभी तो इतनी नीची गहरी खाई
तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, अन्यथा ये कहां संभव था। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया वानर बालक, मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगी, किंतु तुम अपना वचन अवश्य याद रखो और उसे पूर्ण करना। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिनी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को ना समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिनी के अंत है तू गदा को उठायो है। तो ये कारण है मेरे प्राण नहीं निकलने का। अंजना, स्वामी आप कुशल तो हैं? अंजना तुम चाहती क्या हो? क्यों मेरे सुख के मार्ग में बाधा बन रही हो? तुमने मुझे अपने शरीर को त्यागने से रोककर उचित नहीं किया है, उचित नहीं किया है। किंतु स्वामी, बस बस स्वामी, स्वामी सुनिए तो, स्वामी ये सब कैसे हो गया महाराज? क्या हो गया? हमारा राजवंश सूना हो गया महाराज, हमारा राजवंश सूना हो गया। स्वयं को संभालिए महाराज, मनुष्य विवश है विधि के विधान के आगे। आइए राजकुमार के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करें। सैनिको फेरो, अच्छा तो धनाक्ष के कहने पर ये सब तुम्हारी व्यू रचना थी? हाँ, ये सब मेरी माया थी, मेरी माया, ताकि तुम धनाक्ष के मार्ग से हट जाओ। नीलम, धनाक्ष के प्रभाव में आकर तुमने जो कुछ भी किया है वो अधर्म है। तुम्हारे इन कृत्यों से तुम्हारे अवगुण उजागर हो गए हैं, गुण अवगुण के नीचे दब गए हैं। तुम भूल गए समुद्र मंथन के समय अपने उदय होने के कारण को, कि तुम्हारा उदय असीमित शक्तियों के साथ हुआ था जगत कल्याण हेतु। प्राणियों के दुखों को, उनके कष्टों को दूर करने हेतु, और तुम्हारे ये गुण आज भी प्रभावी हो सकते हैं। संसार को तुम आज भी अभी भी लाभ पहुंचा सकते हो, किंतु कब? जब तुम कपटी लोभी ईर्ष्यालु धनाक्ष का साथ छोड़ दोगे। धनाक्ष का साथ छोड़ना असंभव है मारुति, क्योंकि धनाक्ष ने मुझे विष्णु से वरदान में प्राप्त किया है। इसलिए धनाक्ष की इच्छा जो भी होगी वही मैं करूंगा। नीलम, यदि कोई बुरा व्यक्ति किसी रत्न को वरदान में प्राप्त कर ले तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं वो अपनी अच्छाई को भूल जाए। रत्नों की मुक्ति हुई नहीं है, रत्नों की उत्पत्ति ही हुई है संसार के कल्याण एवं हित के लिए। इसलिए तुम इस अधर्म के मार्ग को त्याग दो तथा धर्म और कल्याण का मार्ग अपना लो। सुनो नीलम, कहाँ जा रहे हो? अपने धनाक्ष के पास। नीलम, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ, राजकुमार के प्राण लौटा दो। गए हुए प्राण वापस नहीं आते वानर बालक, राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है।
तुम जीवित हो? हाँ पिताश्री, मैं जीवित हूँ। पर कैसे? हमने तो तुम्हें स्वयं ऊंचे पर्वत से गिरते हुए अपने नेत्रों से देखा था। पिताश्री, इसकी बहुत लंबी कथा है, मैं सुनाऊंगी आपको विस्तार से, किंतु उससे पूर्व आप जो करने जा रहे हैं उसे स्थगित कर दीजिए। क्योंकि इनके प्राणों का अंत अभी नहीं हुआ है, ये अवश्य जीवित हो जाएंगे पिताश्री। हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं पुत्री, परंतु तुम जो कुछ भी कह रही हो वो असंभव है, सब भावावेश में कह रही हो। मैं सत्य कह रही हूँ, ये जीवित होंगे, अवश्य जीवित होंगे। किंतु कैसे? तुम किस आधार पर कह रही हो? पर्वत से गिरने के बाद भी आपके समक्ष जीवित खड़ी हूँ पिताश्री। जिस प्रकार उन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार वो मेरे राजकुमार को भी अवश्य जीवित करेंगे पिताश्री। महाराज, हमारे विचार से हमें राजकुमारी की बात मान लेनी चाहिए। हो सकता है चमत्कार हो ही जाए। राजकुमार, आप अवश्य जीवित होंगे, हमारा विवाह होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा ये विश्वास प्रतिफलित होगा। नीलम, तुमने राजकुमार के प्राण अवश्य हरे हैं, किंतु उनकी मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय निर्धारित है और उनकी आत्मा अभी भी उनके शरीर में सुरक्षित है, इसलिए तुम उनके प्राण को लौटा दो। ये संभव नहीं है मारुति। तुम्हारे कहने से मैं अपनी सफलता को असफलता में परिवर्तित नहीं कर सकता। अब तो बस राजकुमार के अंतिम संस्कार की देरी है, उसके बाद तो तुम्हें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। और उसके बाद धनाक्ष का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। अब तो बस राजकुमार के अंतिम संस्कार की देरी है, उसके बाद तो तुम्हें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। अब तो बस राजकुमार के अंतिम संस्कार की देरी है, उसके बाद तो तुम्हें मृत्यु दंड से कोई नहीं बचा सकता। नीलम को उसके अवगुणों के प्रयोग से रोकने के लिए धनाक्ष के वश से उसे मुक्त कराना आवश्यक है, अन्यथा वो संसार को प्रताड़ित करेगा। नीलम में जीवन लेने की क्षमता है तो जीवन देने की शक्ति भी है। उसके इस गुण को और प्रबल तथा प्रभावी बनाने हेतु उसे धनाक्ष के प्रभाव से मुक्त कर किसी देवता के अधिकार में देना होगा। देवत्व को पाकर ही नीलम संसार को अपने सद्गुणों से लाभान्वित कर सकता है, किंतु उसे धारण कौन करेगा? किस देवता में गुण है उसके समान?
शनि देव। शनि देव उसे धारण कर सकते हैं क्योंकि उन दोनों के गुण समान हैं। दोनों में क्रोध भी है तथा दया भी, धर्म भी है तो न्याय भी है। इसलिए नीलम को धारण करने हेतु आग्रह करने के लिए मुझे शनि का आह्वान करना होगा। रुद्र अवतार हनुमान मेरा आवाहन कर रहे हैं, मुझे शीघ्र जाना होगा। रुक जाइए स्वामी, रुक जाइए। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने जो आप मुझे एक बार पलट कर देखना भी उचित नहीं समझ रहे? तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? अपने जीवन में सच्चे सुख के मार्ग में बाधा बनने वाली अपराधिनी पर करुणा दृष्टि डालूं? कदापि नहीं। तुमने मुझे जीवन त्यागने से रोककर बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। एक पत्नी का अपने पति के प्राणों की रक्षा करना यदि अपराध है तो मैं अपराधिनी हूँ। किंतु मैं अपना पति धर्म कैसे छोड़ सकती हूँ? नहीं अंजना, तुमने धर्म की आड़ में अपने स्वार्थों की रक्षा की है। दोष मत लगाइए मुझ पर। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुमने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए मेरे जीवन की रक्षा की है, रक्षा की है, रक्षा की है। तुम स्त्री हो और स्त्री को अपने जीवन यापन के लिए किसी एक पुरुष का साहचर्य चाहिए, किसी एक पुरुष का संबल चाहिए, किसी एक पुरुष का साहचर्य चाहिए, एक पुरुष का संबल चाहिए। इसीलिए इसीलिए तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। अब एक शब्द और मत कहिएगा।
वीर्य का नाम देकर मेरे चरित्र और सम्मान पर हनन मत कीजिएगा। मरण रहे कि मैं आपकी व्याधा पत्नी हूँ, सत्य तो ये है कि अपने धर्म से तो आप भाग रहे। आप क्या सोचते हैं इस प्रकार अपने प्राण त्यागने से आपको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी? नहीं स्वामी नहीं, आप जो करने जा रहे हैं वो आत्महत्या है और आत्महत्या सबसे बड़ा पाप होता है। आत्महत्या मोक्ष का मार्ग नहीं है, दुखों के बंधन में उलझने का मार्ग है। किंतु दुर्भाग्य तो ये है कि आपको सत्य असत्य उचित अनुचित कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अपने विवेक का प्रयोग कीजिए स्वामी, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए स्वामी, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए स्वामी, सोचिए, अपने बुद्धि से सोचिए, अपने विवेक का प्रयोग कीजिए स्वामी, सोचिए, सोचिए स्वामी, सोचिए। देवी अंजना, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। तुम्हारे कहने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं किसी बुरे प्रभाव के वशीभूत हूँ। चिंता मत कीजिए स्वामी, जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपके साथ कुछ भी अमंगल होने नहीं दूंगी। अंजना, तुम्हारा ये पतिव्रत धर्म निरंतर मेरे मार्ग में बाधा बन रहा है, किंतु अब नहीं बन पाऊंगी क्योंकि अब मैं तुम दोनों को एक साथ ही मृत्युलोक पहुंचाऊंगा। बस अब एक यही मार्ग शेष रह गया है तुम दोनों के लिए। त्राही माम पाही माम त्राही माम, हो प्रभु शरण आपकी आया, दे दुशनिजी छत्र छाया, प्रभु शरण आपकी आया, दे दुशनिजी छत्र छाया। देव शनि शरणं मम, 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 देव शनि शरणं शनि
शनि शरणम् मम। जय जय शनि देव, जय 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 शनि देव, जय जय शनि देव, जय 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 जय। प्रणाम रुद्रावतार। जय जय शनि देव, जय 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 शनि देव, जय जय शनि देव, जय 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 शनि देव, जय जय शनि देव, जय 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 शनि देव। कहिए रुद्र अवतार, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने मेरा आवाहन किस प्रयोजन हेतु किया है रुद्र अवतार? धनाक्ष के प्रभाव के कारण नीलम अपने गुणों को छोड़कर इस समय पूर्ण रूपेण विध्वंसक बना हुआ है। यदि उसे रोका नहीं गया तो आने वाले समय में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो कहिए रुद्र अवतार, मैं इस कार्य में किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ? और आपने इस कार्य हेतु मुझे ही क्यों बुलाया? वो इसलिए शनिदेव कि सृष्टि की रचना धर्म अधर्म गुण अवगुण पाप पुण्य सबको मिलाकर हुई है। इस सृष्टि में जितने भी हानिकारक बल हैं, उनका प्रतिबल पहले से ही सृष्टि में उपस्थित है। रुद्र अवतार, मैं आपका भावार्थ समझ नहीं पा रहा हूँ। शनिदेव, नीलम के भीतर जो अवगुण है उसे केवल आप ही नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे रुद्र अवतार? उसे देवत्व रूप में धारण कर। यदि आप उसे धारण नहीं करेंगे तो ना तो वो कभी धनाक्ष के प्रभाव से मुक्त हो पाएगा एवं ना ही कभी वो अपने गुणों के द्वारा संसार का कल्याण कर पाएगा। हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं महाराज, हमारी पुत्री के कारण आपको भावनात्मक कष्ट सहन करना पड़ रहा है। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कष्ट से बहुत बड़ा कष्ट है राजकुमारी का। अगर उसके अंधकार पूर्ण जीवन में आशा की कोई किरण है तो हमें अवश्य उस किरण को प्रकाशपुंज बनने के लिए प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। हो सकता है संभावना साकार हो जाए। ओम नमो नारायण, नमो नारायण। अनर्थ घोर, अनर्थ घोर, अमंगल। आपका स्वागत है पुरोहित जी। स्वागत? इस अपवित्र स्थान पर स्वागत करके अपने महापाप में मुझे भी सम्मिलित करना चाहते हो? यह आप क्या कह रहे हैं पुरोहित जी? पाप? कैसा पाप? 2 दिन हो गए राजकुमार की मृत्यु को, किंतु अभी तक राजकुमार को यहीं पर रखा हुआ है। ये पाप नहीं तो और क्या है? क्षमा कीजिए राजपुरोहित जी, मेरे राजकुमार पुनः जीवित होंगे। मूर्ख, मृत्यु के उपरांत कोई जीवित होता है क्या जो ये जीवित होगा? न भूतो न भविष्यति। महाराज, अपनी पुत्री को दिवा स्वप्न से बाहर निकालिए और इसका अंतिम संस्कार कीजिए, अन्यथा संपूर्ण राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश। महाराज नेमिदत्त, अब आप सोच क्या रहे हैं? आगे बढ़िए और अपने धर्म का पालन कीजिए और शीघ्र अतिशीघ्र राजकुमार का अंतिम संस्कार कीजिए।
पुरोहित जी, एक ओर मेरी पुत्री का विश्वास है तो दूसरी ओर आपका आदेश। मैं बहुत दुविधा में हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। एक पुत्री के पिता के समान नहीं, एक राजा के समान सोचिए और निर्णय लीजिए कि आपका राजधर्म क्या कहता है। आप तो दोनों धर्म और कर्म जानते हैं ना। ठीक है, आपका कथन सत्य है। मैं पुत्री मोह त्याग कर अपने धर्म का पालन करूंगा। मैं पुत्री मोह त्याग कर अपने धर्म का पालन करूंगा और इस शव का अंतिम संस्कार करूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं, ऐसा मत कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपकी पुत्री भी राजकुमार की चिता में सती हो जाएगी। ठहरो, ठहरो, ठहरो।